ब्यूटीफुल नेचर पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपसे बात करेंगे कि सोते समय या जब हम गहरी नींद में चले जाएं तो चक्रों को कैसे जागृत करें, हमारी चेतना चक्रों पर कैसे काम करे ताकि हमारे चक्रों में संवेदनशीलता आने लगे। सी विधि ऐसी हो सकती है जिससे हम नींद में भी चक्रों पर काम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के अनुसार समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हमारे सभी मित्र जानते हैं, चक्र हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। इन चक्रों की खासियत यह है कि ये चक्र हमारे सिक्के के दोनों तरफ काम करते हैं। सिक्के के दो पहलू क्या हैं? सिक्के के दोनों पहलुओं का अर्थ है एक दुनिया पर और एक आध्यात्मिकता पर। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे चक्र हमारे शरीर में हैं। ये चक्र हमें आध्यात्मिक जगत से भी जोड़ते हैं, ये चक्र हमें परमात्मा से भी जोड़ते हैं, इसलिए उनकी संवेदनशीलता उनका जागरण हमारी साधना पर आधारित है। आप इसे ऐसे समझने की कोशिश करें जैसे कि आप विश्वास करते हो। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, गहरी नींद में गिरने के बाद हमें कोई काट लेता है या कोई चींटी आदि हमारे ऊपर चढ़ जाती है या कोई मच्छर काट लेता है तो हमारे शरीर पर जो भी गतिविधि होती है जिसके कारण हमारी आंखें अपने आप खुल जाती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा शरीर इतना संवेदनशील है कि जागते हुए भी काम करता है और सोने के बाद भी काम करता रहता है। तो आज हम आपको इसी विषय पर आधारित कुछ तरीके बताएंगे जो आपको सोने में मदद करेंगे। इसके बाद भी यह आपके चक्रों को जागृत करने में आपकी मदद करेगा। पूरी दुनिया भावनाओं पर निर्भर है, इसलिए हमारा ध्यान भी कहीं न कहीं भावनाओं से ही जुड़ा होता है। यदि हम उसे आगे ले जाना चाहें तो उस साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि संसार ही भाव का मूल है। यदि जगत का अनुभव हुआ है तो इस जगत की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी चक्र होते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ वो है भावना। मैं इसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भावना के साथ कुछ भी हो सकता है। जो लोग भावना की शक्ति को जानते हैं वे सब कुछ पहचान लेते हैं, क्योंकि भावना ईश्वर के बहुत करीब है। मेरे साधक मित्रों, यदि आप भी रात को अक्सर सो जाते हैं तो हमारे साथ देखिए, होता यह है कि हम सांसारिक प्राणी हैं, हमारी चेतना मस्तिष्क में है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हमारा काम ये होगा कि हमारी चेतना जो 24 घंटे मस्तिष्क में अटकी रहती है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों, उसे वापस प्रकृति में ले आएं। प्रकृति के केंद्र तक लाने का मतलब है उसे वापस आधार पर लाना, और वापस लाने के लिए हम सांस लेने की विधि का उपयोग करेंगे जो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अन्यथा ऐसी विधियाँ कहीं नहीं लिखी जाती हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है? रात को शांति से लेटे रहना है। रात को लेटने के बाद आप पूरी शांति के साथ शवासन में लेट जाएं, और जो भी आपकी सांस चल रही हो, सबसे पहले आप सांस अंदर लें। देखिए, मैंने भावनाओं की बात की तो भावनाओं की ही बात की। आपको सांस को मस्तिष्क तक ले जाना है। आप नाक से सांस लेते हैं, उसे मस्तिष्क तक ले जाते हैं, फिर मस्तिष्क से सांस लेते हुए उसे सहस्रार आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, इसी तरह सभी चक्रों से गुजरते हुए लधार चक्र तक ले जाना होता है। इसे वापस लेने की पहल आपको ही करनी होगी। आपको इसे वापस लाने के लिए पहल करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सांस बाहर जाती है, फिर जब आप अगली सांस लेंगे तो आपको बस सांस को वापस मस्तिष्क तक ले जाना है। फिर उसी सांस को सभी चक्रों से होते हुए नीचे की ओर मूल आधार तक ले जाना है। फिर इससे क्या होगा कि आप जो भी हैं, जो भी प्रकृति का केंद्र है, जो भी प्रकृति है, आप उससे जुड़ जाएंगे। जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो सहजता और सरलता आएगी। इसके आते ही सभी चक्र सक्रिय होने लगेंगे। इसमें आपकी श्वास भी प्रभावी होगी, क्योंकि सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो चेतना है उसे वापस केंद्र में लाना होगा, और उसके बाद ही अग्नि यात्रा होगी। शुरू करो, क्योंकि देखो, जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, अगर जाना है तो घर से ही पैदल चलना शुरू करें। यह चक्रों की यात्रा है।
आपको यह सांस लेने का व्यायाम रोजाना रात में 10 मिनट या 15 मिनट तक जारी रखना चाहिए। सांस को सिर तक ले जाएं और फिर इसे सभी चक्रों से होते हुए मूलाधार तक ले आएं। इसे अगली सांस पर छोड़ दो। जब आप इसी तरह से एक हफ्ते या 10 दिन तक यह उद्यम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कितने नए दरवाजे खुल जाएंगे। शायद आपके सामने अचानक कोई ऐसा दरवाजा खुल जाएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।